हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपके टोकन्स के क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो उसमें एक टाइप थे टोकन्स के कीवर्ड्स। तो आज हम कीवर्ड्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलरेडी रिजर्व है, प्री डिफाइंड मीनिंग है इनका, और इनको आप एज एन आइडेंटिफायर, एज अ वेरिएबल, नेम्स, फंक्शन नेम्स एज यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये आपकी जो लैंग्वेज है उसकी सिंटेक्स का पार्ट होते हैं, और आप इनको कंट्रोल स्ट्रक्चर, डेटा टाइप या फिर अदर लैंग्वेजेस कंस्ट्रक्ट्स के लिए, डेफिनेटली आप बेसिक्स के लिए आप इन्हें ऑलरेडी प्री डिफाइन करके रख रहे हो कि जब भी आपको अगर कंट्रोल स्ट्रक्चर में या डेटा टाइप को डिफाइन करने की जरूरत होगी तो आप इनका यूज कर लोगे। जैसे आप डेटा टाइप्स के लिए इंट, कैर, फ्लोट, डबल एटसेट्रा ऑलरेडी आपके कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे जो कीवर्ड्स होते हैं ऑलरेडी पार्ट होते हैं आपकी लैंग्वेज की सिंटेक्स का। ठीक है, नेक्स्ट है इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कीवर्ड्स के। पहला, ये रिजर्व होते हैं कि आप इनको दोबारा रीडिफाइन नहीं कर सकते या किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी आपका ऑलरेडी कीवर्ड है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए डिफाइंड है आप उसे ही यूज करोगे। नेक्स्ट इज प्री डिफाइंड मीनिंग हर एक कीवर्ड का, क्योंकि रिजर्व भी है, और दूसरा इन सभी कीवर्ड्स का एक स्पेशल फंक्शन है जो कि ऑलरेडी लैंग्वेज ग्रामर में डिफाइंड है और आप इनको दोबारा से डिफाइन नहीं कर सकते। अगेन, हर एक लैंग्वेज के जितनी भी आपकी लैंग्वेजेस होंगे उनके अपने स्पेसिफिक सेट ऑफ कीवर्ड्स होते हैं, तो ये लैंग्वेज स्पेसिफिक होते हैं। जैसे सी के कीवर्ड्स अलग हो सकते हैं, सी प्लस प्लस के अलग, जावा के अलग, एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर्स। अगेन, आप हमने ऑलरेडी बात की, आप इनको वेरिएबल नेम के रूप में यूज नहीं कर सकते, फंक्शंस या किसी यूजर डिफाइंड एंटिटीज के रूप में यूज नहीं कर सकते। जो ये रिजर्व है तो इनका वही, अगर आप इन्हें यूज कर रहे हो तो दैट मीन्स इसको आप कीवर्ड की जैसे ही आइडेंटिफाई करोगे, तो इसलिए आप इन्हें किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप इन्हें वेरिएबल का नाम एक कीवर्ड के नाम पे नहीं दे सकते, एंड सो। तो ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कीवर्ड्स के। और अगेन हम देखेंगे कि सी में कितने कीवर्ड्स हैं। वी ऑलरेडी नो 32 कीवर्ड्स होते हैं सी के अंदर। ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, एनम, एक्सटर्न, फ्लॉट, फोर, गो टू, इफ, इंट, अलॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइंड, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइंड, वॉइड, वॉलेटाइल, एंड वाइल। और इन सब के वर्क हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं इन द सी प्रोग्रामिंग लेक्चर्स, कि आपका ऑटो आप क्लास के लिए, स्टोरेज क्लास के लिए यूज करोगे, देन ब्रेक, स्विच, ये सब आपके ऑलरेडी हम स्विच स्टेटमेंट में यूज कर रहे हैं, डू, वाइल, ये सब आप ऑलरेडी लूप्स में यूज कर रहे हो, ये कैर, और आपका डबल, फ्लोट, इंट, ये सब आप डेटा टाइप में यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये मोस्ट ऑफ जो कीवर्ड्स हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 32 कीवर्ड्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं कि आप इन्हें किसी और वेरिएबल का नेम या फंक्शन के नेम के रूप में यूज नहीं कर पाओगे। ये रिजर्व कीवर्ड्स हैं सी के अंदर, और आप इन्हें आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं कर सकते, और आपके स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ये हैं। जैसे आप कंट्रोल स्टेटमेंट्स में यूज करोगे, इफ, एल्स, डू, डबल, वाइल, एटसेट्रा, स्टोरेज क्लासेस में ऑटो, रजिस्टर, आपकी हमने 4 टाइप की स्टोरेज क्लासेस पढ़ी थी। तो अगेन, ये सिर्फ स्पेशल पर्पसेस के लिए आप इनका यूज कर सकते हो। सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट कीवर्ड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू हैव एनी क्वेरी लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।